पूरे जिला के अलग अलग गांवों से आए तमाम प्यारे विकलांग भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मैं पूरे हरियाणा के समस्त मजदूर वर्ग की ओर से ऊंचे आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, वन मजदूर है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, गांव के भवन निर्माण के मजदूर है, उद्योगों के मजदूर, तमाम यूनियनों की ओर से आपके इस नए प्रिय आंदोलन का, आपकी जायज मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं और हरियाणा सरकार की बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, जो विकलांगों के प्रति जो संवेदनहीन जो रुइया है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये बदमाशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस संघर्ष में विकलांग भाई अकेले नहीं है, ये पूरे हरियाणा के मजदूर आपके साथ है। ये कहना चाहता हूं ये बात पूरे जोरदार ढंग से। अभी आ रहे थे, हम बात कर रहे थे आपस में, मतलब बनाते तो घने देखे पंशन है और कट दे इन वर्गा कोई नहीं पाया। अरे एक बार कानूनन सब आपने मेडिकल करा दिया, रिपोर्ट दे दी, पेंशन लागू हो गई, फिर दोबारा से हटके फिर पूरी जांच की कौन सी जरूरत पड़ गई भाई? बेईमाना हो गया जी। क्या नियत है पूरे हरियाणा में बुजुर्गों की, विकलांगों की, विधवा महिलाओं की पेंशनें काटी जा रही हैं? अभी रोहतक की खबर आई, उन बोला तरह फूफा मैं जीड़ लाग रहा, मरिया दिखा के पेंशन काट दी, वो चंडीगढ़ तक पहुंच गए। ये बात है, ठीक है बोल बोलता हूँ। इतने झूठों की सरकार देखने में नहीं आई। आप कोई कोठी मांग रहे नहीं, कोई बिल्डिंग मांग रहे नहीं, कोई कार मांग रहे नहीं, कोई ऐसा नहीं मांग रहे। मांग क्या है? बिल्कुल सिंपल मांग है, जो इन अपने घोषणा पत्र में वादा कर रखा, भाई चापी आए तेरा घोषणा पत्र ठा के देख ले, कई दो दिन चावल शो करूंगा और तुम तो जनता छोड़ पाओगे, ये कैसे चलेगा? अरे जरा आके देख तेरी कोठी पे कैसी कैसी आत्माएं बैठी, कैसे कैसे लोग बैठे। विकलांगों के प्रति जब एक संघर्ष पूरे देश के स्तर पे चला, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे प्रोग्राम था, दिल्ली सत्र मंत्र पे हम उसमें गए थे, आंध्र से, तमिलनाडु से, बंगाल से, केरल से, पूरे देश से विकलांग वहां आए हुए थे हजारों की तादाद। उसके बाद एक कानून बड़ा क्षेत्र के लेवल पे, अब बात यह खतरे कपने कदे स्कूल में पढ़े हो कि मैं जानते हो इनका आगे तो पक्ष है, आरएसएस में लाठी घुमाई, निकर पहनी, टोपी पहनी, नवा काली, कई बार खट्टर साहब से मिलने का मौका मिला अनेक मसलों पे, क्या कहेंगे ऐसा कि ये मेरे को दो ज्ञापन, मैं इसको देख लेता हूं, एक मीटिंग रखवान खातर छह महीने लंबा अभियान चलाओ, गांव गांव जिले जिले में जाओ, फिर करनाल में जाओ, फिर कोई मीटिंग का टेम मिले और फिर नुकमत खुश होगी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, डायरेक्टर को बुलाते, बुला के भाई पेपर देख लो क्या
अगली मीटिंग में बताऊंगा। एक बार की बात अगली छह महीना पे फिर चली जाए। ईवीएम पुलिस वाले बाइक खड़े कर दिए, गया तो इतने भी था क्या पंजाब के समान वेतन मान दूंगा, तुमने भी सुविधा दूंगा। इन सुविधा देनी तो रही तू, आत्मा के खड़ा दे दे थे। ओए आओ आगे नहीं जाओगे, लाइन डॉक्टर को खतरा है, गोरतुलाज का खतरा है लाइन डॉक्टर को, और इन विकलांगों से खतरा है। एक उसका नाम लेके आगे ला दिया जाता है। इनके मुद्दे क्या है, मांग क्या है, सवाल क्या है, मसले क्या है? अरे किसी भी लोकतांत्रिक समाज के अंदर सोसाइटी में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अखबार में भी खबर आ जाना, अरे एक जिले पर डीसी ने अलग से पीआरओ बिठा रखे, सारे अखबारों में जो खबर आवे है उसकी कटिंग तड़का काट के जैसे डीसी टेबल पर बैठे है वो कटिंग उसकी टेबल पे चली जाती है। ऐसे स्टेट में कोई भी खबर आती है वो स्टेट के लेवल पर चली जाती है। और यार सीआईडी वाले चार डाल के खड़े हैं, एक खट्टर वाले, एक मोती वाले, एक दुष्यंत वाले, एक एसपी वाले, वो सारे आ रहे हैं, वो रिपोर्ट भेजते हैं। हरियाणा का डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी कौन है? श्री आलोक मित्तल जी। सारी खबर जाती है वो मुख्यमंत्री को अगले दिन ही बताता है, फिर भी ये गौर नहीं करते। तुमने आज का प्रदर्शन आते तो फैसला को निगरान जावांगे, यू फैसला तो बहुत पल्ला तक कर रखा है, कई दिन पल्ला करा था बताओ आप? एक महीना पहले नोटिस भी भेजा है डीसी को भी दुष्यंत को भी। और इतनी कड़कती गर्मी में या आए हैं आड़े मंत्री की कुतिया भी गोली डी बैठी जो कम से कम भविष्य ले लू कहते क्या उनका फसली बढ़ता था? जैसे नोटिस दिया भाई कोई नहीं निकला हूं। तुम मेरे हरियाणा प्रदेश की जनता हो और सबसे वो इंसाफ जो अपेक्षित है, मैं तुम्हारी मांगों पे बात करूंगा। फलाने दिन आ जाओ चंडीगढ़ बला जड़ा बला दिल्ली की उनको बात कर, इन्हें फुर्सत नहीं है, अब इनकी लुटिया डूबती दिखन लाग रही है। इन्हें पूरे देश में प्रदेश में न्यू बने 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, 15 लाख खाते में आवेंगे, महंगाई पर रोक लगावेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य सस्ता करेंगे। अब वो कह रहा है बोला जोर तो जोर आटा ना हनाटा या थली, अरे दूध की थली लोग नहीं लो हो, दही की थली लोग नहीं, उस पर भी बटेरे जीएसटी ठोक दिया। एक बार थैली आवा 10 रुपया नहीं हुआ, 12 की मिले क्या की मिले 12 की मिले क्या मजाक है ये जनता के साथ? ये जनता को टुकड़ खोर बनाना चाहते हम, ये भी हम कहना चाहते देश के स्तर पे जितने बुनियादी क्षेत्र है, बैंक है, बीमा है, रेल है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीकॉम है, बंदरगाह है, मिलिट्री है, क्या विकलांग का 3% कोटा नहीं है? बताया है कि नहीं है? जो हमारे में पढ़े लिखे काबिल बच्चे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लगे हैं, मगर इस सरकार के 8 साल में न रेल में भर्ती, न जेल में भर्ती, पुलिस में मिलिट्री में भी भर्ती आ कर दी, इनके कर दिया अग्निवीर अग्निपथ, इतना अग्नि में जरा की नहीं चाहे कोई, फौज में जो छोरा लाए जन्ना तो उसकी नौकरी की कोई बात बन के आ कर दी। ये आए तेरी वाणी में प्रधानमंत्री मोदी साहब क्या कहा था?
छोटा न पेंशन छोटी। जितने सरकारी बैंक में हमें 2004 के बाद गए हैं उतने पुलिस को किसी में हो। उनकी स्थिति क्या है? उनकी पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू कर दी। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश देश के कर्मचारी संघर्ष करे। एक बैंक बन जाओ एक पेंशन, दो बैंक बन जाओ दो पेंशन, आठ बैंक बन जाओ। दुष्यंत जी के दादाजी चौटाला साहब आज प्रदेश में सबसे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। हमारे रिवाड़ी में कैप्टन अजय यादव अपने दुष्यंत जी मंत्री के न्यारी एमएलए की न्यारी एमपी भी बना था उसकी पेंशन न्यारी और महाराणी का एक दीवार है वहां यार आई मैंने एक पर कही थी चौटाला साहब को जब खनक पार के अंदर संजय था नाके लुआ दिए थे दमाद टैक्स ला दिया था संघर्ष हुआ तो हम जेल में गए पानी में गोते मरा दिए थे हम बाहर निकले थे तुमने कही थी बात सुनने मारती तो गोते मरा दिए तेरे को ऐसा गोता मराएंगे अटके तोड़ में तभी निकलेगा कार जेल पहुंची।